पूर्णिया में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यहाँ एक के बाद एक बड़ी घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जिले के अमौर प्रखंड के खारी गांव में देर रात नकाबपोश अपराधियों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया और मुखिया मोहम्मद साबिर के घर में डकैती कर ली। बेखौफ डकैतों ने लूट के दौरान कई राउंड फायरिंग की, जिससे समूचा इलाका दहल उठा। बेखौफ डकैत मुखिया के घर से 5 लाख कैश समेत लाखों के जेवरात लूट लिए। वहीं मुखिया के घर हुई इस डकैती की घटना ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बेखौफ डकैतों ने मेन गेट तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और जमकर तांडव मचाया। डकैतों के अंदर प्रवेश करते ही मुखिया और परिवार के लोग शोर मचाने लगे। हालांकि नकाबपोश डकैतों ने हथियार का भय दिखाते हुए सभी के मुंह हाथ पैर बांध दिए और बंधक बनाकर लूटपाट की। करीब 40 मिनट तक लूटपाट करने के बाद डकैतों ने ताबड़तोड़ 4 बम मारे और कई राउंड फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। गोली और बम की आवाज़ से पूरा गांव थर्रा उठा। बेखौफ डकैतों के भाई से सभी अपने घरों में ही दुबके रहे। डकैतों के जाने के बाद मुखिया शाबिर ने फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अमौर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मुखिया शाबिर ने बताया कि करीब 30 की संख्या में डकैत उनके घर में घुसे थे। सभी अपने चेहरे को कपड़ा से ढका हुआ था। 16 की संख्या में अपराधी घर के अंदर घुसे, बाकी गेट के बाहर खड़े थे। कोई सामान नहीं छोड़ा था? नहीं सर, कुछ नहीं छोड़ा। बोला था खोलते हो कि नहीं खोलते हो? कितने बजे रात की घटना है ये? 12 बजे समथिंग। 12 बजे कैसे प्रवेश किए थे वो लोग? वो लोग आगे मेन गेट तोड़ने का कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, 25 मिनट तक तोड़ा ली, पूरा चलाते रहा जी। उसके बाद नहीं हो पाया तो पीछे से खिड़की तोड़ के दबा दिया। अच्छा अच्छा, तो आप जब रूम में सोए हुए थे वहाँ तक कैसे गया वो? वो चला गया, जैसे कि अंदर चला गया पीछे से, उसका तोड़ के वो खिड़की फोक फोड़ दी जी। खिड़की से राइफल का बंदूक से बोला कि नहीं, अगर खोलते हैं तो फायरिंग कर दो, गोली मार जी। तो आप लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया? हमने दरवाज़ा खोल। तो मारपीट भी किया होगा? मारपीट किया होगा। कितने की संपत्ति ले गए हैं लगभग? संपत्ति क्या लेके गए, बच्चे सबका थोड़ा थोड़ा सामान था और 5 लाख रुपया कैश था। 5 लाख कैश, जेवर जेवरात। ये घटना पहली बार हुई है? ये खारी महंगा में ऐसी घटना घटी थी कभी? क्या कभी नहीं घटी, बहुत पहले 2002 से पहले। 2 से पहले हुई थी? कितने संख्या में थे सर डकैत? 25 से 30 संख्या में। और कितने देर तक यहाँ वारदात को अंजाम दिया? 1 घंटा। प्रशासन को सूचना दिए थे? कितने बजे पुलिस आए थे? पुलिस आए थे 1:15 या 16 मिनट। अच्छा, पुलिस को कुछ हाथ लगाया नहीं? नहीं, अभी तो दो लोग चल रहा है। अच्छा, ये सभी अपराधी जो थे नकाबपोश थे? नकाबपोश है। पहचान में नहीं आ रहा है? अच्छा, बोल चाल की भाषा क्या थी उनकी? हम लोगों का 2 आदमी सुरजापुरी में बोल रहे हैं और बाकी वो हिंदी में बात कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदी और कुछ लोग सुरजापुरी भाषा, जो हम लोग का भाषा है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? प्रशासन सबसे ज़्यादा के उन लोगों का गिरफ्तारी, खोजबीन में लगे रहे, प्रशासन अपना ईमानदारी से काम करे तो निष्पक्ष पता चल जाएगा ये कौन है, किसने वारदात अंजाम दिया है। अच्छा, क्या लगता है एक मुखिया के घर में ये इस तरह की स्थिति हो जाए तो क्या आम आदमी सुरक्षित होगा? अच्छा, आपका पंचायत जो है ये बैसा के सीमावर्ती इलाके में है? बैसा के नहीं, तो बैसा से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है अमौर से कितनी डिस्टेंस है? 2 किलो होगा, 2-4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मार। क्या रात्रि गश्ती होती है? कुछ नहीं गश्ती होती। कुछ नहीं होती? पुलिस आते हैं? नहीं आते। ये बड़ी लापरवाही है। क्या नाम बताए अपना? थैंक यू। हम लोग सब खाना पीना खा करके सो गए थे। खाना खाने के बाद सोने के बाद 12 बज गया था। 12 बजे के लगभग वो लोग आया था। वो लोग आने के बाद थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, हम लोग सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे वो गाय वगैरह होगा तो शायद
उसके बारे में। तो हम लोग फिर बाद में आवाज़ आया था, मेरा नौसाद भाई है, तो उसने बोला कि हमारे घर में कोई आया है। तो आने के बाद उसके बाद के बाद थोड़ा पूरा मान लो घुसा था, किधर से घुसा, किधर से, इधर से घुसा था सर, वो खिड़की से नहीं, खिड़की से नहीं, पहले उधर से मेन रोड के पास आंगन में आया था। आंगन के आने के बाद वो खिड़की वो गेट खोला था, गेट खोलने के बाद ये इसने हथौड़ा कैसे वार किया था, तो ये नहीं हुआ। तो उसके बाद में वो खिड़की से वो आया अंदर। अच्छा अच्छा, ये खिड़की पे मतलब आकर क्या क्या कर रहा था सर? इसने आके क्या कर रहा था, मेरा चाचा लोग यहाँ पे सो रहा था सर, एक आदमी उधर से गन निकाल के उनको दिखा रहा था, एक इधर से दिखा रहा था, उनको बोल रहा था दरवाजा खोलते हो कि नहीं। तो मेरा चाचा बोला था दरवाजा उसने खोल दिया था, उसने खोलने के बाद अंदर आया, घुस गए। तो मेरा चाचा के ऊपर चार आदमी गन लगा दिया था, और मेरा चाची के ऊपर भी लगा दिया था गन। उन लोग को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मारा था उन लोग को, और जितना सामान वगैरह था सब लेके गया। पुलिस कब आई थी? पुलिस आया था सर, रात को भी आया था, तो वो लोग जाने के बाद तब आया पुलिस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। आपके चाचा है मुखिया जी? जी। बोलने का कुछ रह नहीं दिया है। कुछ नहीं रहा? कुछ रह नहीं दिया जी। ये सभी सीमाओं को जो है ना जी तोड़ करके आगे बढ़ गया है। ये सभी सीमाओं इलाके में पूरी तरह से बेचैनी फैल गई है जी। लोग जो सड़क के बगल में आकर के जहाँ तक घर बनाते थे जी, अब लोग पछता रहा है क्या, फिर हमारा क्या होगा? हम समाज में ही रहते, मतलब बीच माहौल में रहते, वो बेहतर था जो कि गांव में होता है। सड़क के किनारे रहना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ जाएगा? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। मुखिया के यहाँ और ये चारों तरफ से घेरा हुआ बड़ी बड़ी बिल्डिंग जी, मजबूत खिड़की जी, वैसे जब छोड़ दिया तो इलाके में तो लोगों के पास ऐसा घर है नहीं। नहीं, ऐसे दोनों दीवार ऐसे गेट भी तो नहीं है, है नहीं। अब पुलिस क्या करती है? अब देखिए आगे आगे पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही है। गैंग तो निकाल सकता है पुलिस। अच्छा, अभी मोबाइल के माध्यम से किसी भी आदमी तक कोई पहुंच सकता है। अब पुलिस पहुंचना चाहती है कि नहीं, हम लोग यही देख रहे हैं जी। पुलिस जब नाकाम हो गई थी तो पब्लिक रास्ते पर आया था। पब्लिक संगठन जो है पूरे डकैतों को खदेड़ करके इंसानी रास्ते पर ला दिया था जी। फिर अभी डकैत लोग संगठित हो गया है, लोगों को डरा रहा है, बंदूक लेके घूम रहा, बम बारूद के हाइसी के हम सुनते वो क्या बोलता है वो स्टेनर गन भी था। अच्छा अच्छा, उनका कहना है कि पुलिस के हाथ जो रहता है पुलिस जी, 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 वही गम जो है मशीन गन खा रहे हैं क्या था वो बोलते हैं। इतना बड़ा बड़ा सामान के सामने इसको घर खोल देना पड़ा, घर खोलना पड़ा मजबूरन। तो सभी बच्चों को मार देता खिड़की से जी। ये महसूस किया खिड़की जब टूट गई है तो आपको घर खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे को मार देगा। इसी डर से खोल दिया। अगर ऐसा 40-50 की संख्या में, 40-50 संख्या में आप सक्रिय हो जाइए, आप जो पैसा के बलबूते पर जो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं जी, ये सब कुछ छोड़िए। आप लोगों के सर्विस के लिए आए हैं, पब्लिक आपको पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, मोटी मोटी तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सड़ेंगे तो फिर समाज को कुछ सोचना पड़ेगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।